सिमरन और आकाश को नए घर में शिफ्ट हुए 2 महीने से ज्यादा हो चले थे। व्यस्तता के कारण किसी भी दोस्त को घर में आमंत्रित नहीं कर पाए थे। दोस्तों के आग्रह पर कि यार अपना नया घर तो दिखाओ, पति पत्नी ने अपने अपने ऑफिस के सभी मित्रों को एक साथ बुलाने का मन बनाया। खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया गया। वेज नॉन वेज हर किसी की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया। समय पर मेहमान आने शुरू हो गए। धीरे धीरे घर मेहमानों से भर गया। कुछ नौजवान तो कुछ प्रौढ़, सभी उम्र के दंपत्ति और बच्चे थे। सिमरन ने सबके आते ही स्नैक से मेज भर दिया। इतने प्रकार के लजीज पकवानों को देखकर सब बिना देर किए अपनी प्लेटें भरने लगे। मोना, जिसका 1 साल पहले नकुल से विवाह हुआ था, वो कुछ ज्यादा ही चहक रही थी। प्लेट को टेबल पर रख सोफे की बाजू पर पति के संग बैठ गई और अपनी उंगलियों को नकुल के कभी कंधों पर तो कभी बालों में घुमाने लगी। देखने में सबको बड़ा असभ्य और अजीब लग रहा था। पास बैठी सहेली ने चुटकी ली, बस भी कर, सारा प्यार आज ही लुटाएगी क्या? नकुल को भी लगा सब उनकी ओर देख रहे हैं। मोना का हाथ अपने सिर से हटाकर कहा, जाओ सामने कुर्सी बैठकर खाओ, जो कि सही भी था। फिर शर्मा जी, जो 2 महीने पहले मसूरी घूम कर आए थे, वहां का बड़ा ही दिलचस्प किस्सा कि उनकी पत्नी शॉपिंग करने चक्कर में खो गई, अभी सुनाना शुरू ही किया था कि पत्नी ने बीच में घुसकर पति की सारी बात पर कब्जा कर लिया। शर्मा जी ने कहा भी कि अरे यार मैं बता तो रहा था, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। बोली, नहीं तुम बहुत कुछ भूल भी रहे थे। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि कैलाश जी अपनी प्लेट में पकौड़े और डालने लगे, तो उनकी पत्नी नीना उनके पीछे भागी और कहने लगी, और पकौड़े लेने की सोचना भी मत, पहले ही आपने तला हुआ काफी खा लिया है। कैलाश भी बड़े अंदाज में बोले, अरे खा लेने दीजिए पत्नी जी, आप तो बनाती नहीं है, साल भर बाद पकौड़े खाने को मिल रहे हैं। लेकिन वो प्लेट में एक पकौड़ा रखकर बोली, बस बहुत है और नहीं। बातों किस्से कहानियों का अच्छा दौर चलने लगा। तभी 5 बरस का सोनू अपनी माँ शालिनी को आकर बोला, मम्मा मुझे पोटी आई है। शालिनी ने तपाक से पति को कहा, सुनिए आप ले जाइए इसे, मेरी को साड़ी में बहुत मुश्किल पड़ती है। पति भी थोड़ा सबके बीच झेपा, लेकिन पत्नी की आंखों को देखकर चुपचाप बच्चे के साथ चला गया। पतियों पर पत्नियां पूरी तरह हावी थी। तभी सिमरन ने कहा, आकाश मैं सब लेडीज को घर दिखाकर आती हूँ। आकाश ने कहा, हाँ हाँ तुम दिखा लाओ सबको अच्छे से घर। बीवियों के खिसकते सभी पीने की तरफ भागे, किसी को बियर किसी को विस्की, जैसे जिसकी पसंद। आकाश अच्छे से गिलास बना बनाकर देने लगा। सिमरन घर दिखाकर सबको दूसरे कमरे में ले आई। सभी वहीं बैठ कर गप्पे मारने लगे। तभी सिमरन ने गौर किया कि सिमी, जो कि आकाश के साथ काम करती थी, बार बार उठकर बाहर जा रही थी। तभी सिमरन ने कहा, मैं खाना लगाती हूँ। सिमरन के वहां से उठने की देर थी कि धीरे धीरे सभी रसोई में आकर खड़ी हो गईं। सामने सभी पति लोग एक दूसरे के साथ अपने ड्रिंक और पसंदीदा विषय क्रिकेट पर खूब आनंद ले रहे थे। तभी सिमी अपने पति रोहित के पास भाग कर गई और हाथ से गिलास छीन कर बोली, आपका ये कौन सा पैग है? रोहित भी थोड़ा असहज महसूस करते हुए बोला, अरे भाई क्या हुआ, दूसरा है। जानते हो ना आपको डायबिटीज है कि याद दिलवाना पड़ेगा। सबके बीच तमाशा ना बने, रोहित ने गिलास सिमी के हाथ से लेते हुए कहा, जाओ जाकर तुम भी रसोई में सिमरन की मदद करवाओ। लेकिन वो कहां सुनने वाली थी, गिलास छीन कर हाथ से ले गई और जाकर रसोई के सिंक में सारा का सारा उड़ेल दिया और कहा, अब पीकर दिखाओ। उसकी इस हरकत ने पल में जोश से भरे माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। हर किसी की नजरें बिना बात किए भी जैसे कह रही हो ये तो हद ही हो गई। रोहित एकदम से चुप बैठ गया। पत्नी की ओर से आए इस अपमान ने जैसे उसके अंदर की सारी खुशी को मायूसी में बदल दिया। आकाश ने बात संभालते हुए कहा, सिमरन भाई खाने क्या हुआ? जी खाना तैयार है, आ जाइए आप सब। सिमरन आकाश की आवाज में आवाज मिलाते हुए बोली। सभी धीरे धीरे अपनी प्लेट बनाकर हर कोई स्थान पकड़कर बैठने लगा। सिमरन रोटी पर घी लगा रही थी। तभी निर्मला जी, जो कि इन सबके बीच सबसे बड़ी थी, सिमरन के पास आई और बोली, सिमरन इनकी रोटी पर घी मत लगाना। सिमरन ने कहा, लेकिन दीदी भैया तो खाना ले गए।
पति के पास भागी। अरे आप ये घी वाली रोटी क्यों खा रहे हैं? मैं बनवा रही हूँ ना बिना घी की। पति ने कहा, अब खा रहा हूँ, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी आराम से बैठ कर खाओ। खाने के बाद जैसे ही मीठा सामने आया तो एक नहीं तीन तीन बीबियां थीं जो पति के मीठे पर पूरी नजर रख कर बैठी थीं। पतियों ने मौके की नजाकत समझते हुए जो सामने पत्नी लेकर आई चुपचाप खा लिया। रात के 11 बज चुके थे। धीरे धीरे सब आकाश सिमरन को धन्यवाद देकर विदा लेने लगे। उनके निकलते ही सिमरन और आकाश सोफे पर पसर गए। आकाश अपने दोनों हाथों को सिर के नीचे से ले जाकर छत की ओर देखते हुए बोला, उफ ये पत्नियां। सिमरन तो जैसे भरी बैठी थी, एकदम से फूट पड़ी। आज तो इन बीबियों ने सब हदें पार कर दी। घर में ये भले ही पति की तनिक भी परवाह ना करें, एक चाय के कप के लिए भी दो दो घंटे इंतजार करवाएं, समय पर खाना ना दें, लेकिन जैसे ही ये दूसरों के घरों में जाती हैं इन्हें सब पत्नी के फर्ज याद आ जाते हैं। सबकी दखल अंदाजी अपने पति के खाने और बातों में थी। अरे वो क्या बच्चे हैं जो नहीं जानते कि उन्हें क्या खाना है, कितना खाना है, क्या पीना है, कि उन्हें तय करने दो ना। एक भी पति ने नहीं देखा आकर कि उनकी पत्नी क्या खा रही है और क्या उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यही सही था। दूसरों के घरों में ऐसी बचकानी हरकतें और पति को अजीबोगरीब स्थिति में डालना सरासर नामंजूर और गलत है। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ, कल शर्मा जी के घर जाना है। देखो सुनो, उनके यहाँ ज़्यादा मीठे पर मत गिर पड़ना, और ज़्यादा तला भुना मत खाना, और शराब को तो हाथ भी ना लगाना। आकाश मुस्कुरा कर सिमरन का तमतमाता हुआ चेहरा देखकर प्यार से बोला, जाओ जाकर सो जाओ, तुम भी थक गई होगी। मैं खुश नसीब हूँ कि तुम उनके जैसी नहीं हो। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल कहानी का साथी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें। आपका कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।